अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी कश्मीरी चाय। सर्दियों की मुनासबत से बहुत पसंद की जाती है, खुसूसन सर्दियों में तो इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप पानी लिया है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैं ये ग्रीन टी जो है ये शामिल करूंगी। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी, किसी भी जनरल स्टोर से या पिंसार की दुकान से आराम से। लेकिन 2 खाने के चम्मच ये पत्ती चली गई इसमें। यहाँ पर ये बिल्कुल 1 चुटकी मीठा सोडा, बेकिंग सोडा ये जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा, ये कहने लगी थी मैं। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा नमक ये चला जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 3 इलायचियां हैं, 4 छोटी इलायची हैं और 1 बादियान का फूल जिसकी मैंने पत्तियां ली हैं 4, पूरा फूल नहीं शामिल कर रही मैं, ये इसमें चली गई। और बस अब हमें इसे पकाना है। मीडियम फ्लेम मैंने रखा है, हमें इसका कलर निकालना है। तो बस इसी तरह से करते रहेंगे, इसे चलाते रहना है और छोड़ना नहीं है। और दूसरे चूल्हे पे मैंने यहाँ दूध उबलने के लिए रख दिया है, जो कि तकरीबन उबल ही चुका है। यहाँ पर पानी को देखें, जोश आ गया है, पकना शुरू हो गया है। मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल किया था और इसे इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। बस इसी तरह से इसे चलाते चलाते 1 कप कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा कहवा 2 कप से 1 कप रह गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास फुल ठंडा पानी। पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, फ्रीजर से निकला हुआ। और फिर इसे मिक्स करेंगे और इसे अब मजीद पकाना है, यहाँ तक कि ये तकरीबन 1 से 1.5 कप इतना रह जाए। बस इसी तरह से हमें इसे चलाना है। हमें इसका कलर खूब अच्छा डार्क सा लेकर आना है। यहाँ पे देखिए कहवा हमारा पक पक के तकरीबन 1 या 1.25 कप के करीब रह गया है, और कितना खूबसूरत सा इसमें कलर आ गया ये देखिए। बस अब चूल्हा बंद कर देना है और अब चाय इसकी तैयार करते हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले दूध लेते हैं। अब इसमें कहवा शामिल करते हैं। अच्छा, चीनी मैं लास्ट में शामिल करूंगी। और अब दूध के ऊपर जाएगा कहवा, हमें छानना है इसे। देखिए खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है। और डालेंगे कहवा इसके अंदर, ये देखिए कितना खूबसूरत सा पिंक कलर आ गया है। और अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। और यहाँ लास्ट में इसे पिस्ते बादाम से गार्निश करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस मज़ेदार सी कश्मीरी चाय को ट्राई कीजिएगा और सर्दियों में इंजॉय कीजिए इसको गर्मा गर्म बनाकर। और बताइएगा कमेंट करके कि चाय कैसी बनी, या आप लोगों को कश्मीरी चाय कैसी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।